गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने सीखा था पेज मेकर में टाइप किस प्रकार से किया जाता है और वर्ड में एडिटिंग किस प्रकार से की जाती है। आज अपन सीखेंगे पेज में वाटर मार्क किस तरीके से डालते हैं, पेज नंबर किस तरीके से लेते हैं और पेज को कलर किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर वाटर मार्क डालना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर पेज नंबर दिख रहे हैं आपको और यहाँ पर एल और आर मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो अपन यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका लेफ्ट साइड पेज है और ये राइट साइड। इन पेजों पर आप जो भी टाइप करेंगे वो आपको पेज मेकर के हर पेज पर दिखेगा। तो पहले अपन वाटर मार्क डालना सीखते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ लेते हैं टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल लेने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे, आपको पेज में वाटर मार्क में जो भी लिखना वो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। तो अपन यहाँ टाइप कर ले रहे हैं, अपन कैपिटल में टाइप कर ले रहे हैं, कैप्स लॉक ऑन करेंगे। इस तरीके से अपन ने लिख लिया। इसका साइज़ अपन थोड़ा छोटा कर लेंगे। अपन इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी दबाएंगे और यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि ये पूरा एक लाइन में आ जाए। इस प्रकार से अब अपन इसको कलर भी कर लेते हैं। यहाँ साइड में आप देख रहे हैं ये बॉक्स आ रहा है। अगर आपका ये बॉक्स ओपन है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कलर कर सकते हैं। अगर आपका ये बॉक्स नहीं आता तो आप कीबोर्ड से बटन दबाएंगे। अगर आपका वो बॉक्स वहाँ पर नहीं आ रहा है तो आपको बॉक्स लेके आना है कलर वाला। तो कलर बॉक्स लाने के लिए आपको कंट्रोल जेड प्रेस की दबानी पड़ेगी कीबोर्ड से। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे कलर आ रहे हैं। तो जो भी आपको कलर डालना है वर्ड में वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अपन ने रेड कलर ले लिया है इस प्रकार से। अब अपन इसको थोड़ा सा तिरछा कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सिलेक्शन टूल के नीचे एक टूल है रोटेट टूल। तो इससे अपन थोड़ा वर्ड को रोटेट कर लेते हैं इस प्रकार से। अब अपन सिलेक्शन टूल से इसको थोड़ा सा नीचे खिसका लेते हैं इस प्रकार से। तो ये अपने लेफ्ट साइड पेज पर वाटर मार्क डल गया। अब अपन को राइट साइड भी डालना है तो अपन इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो अपन इसे सिलेक्ट करेंगे, एडिट पर जाएंगे और यहाँ से कॉपी पर क्लिक करेंगे। आप इसकी शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस सी। क्लिक करेंगे कॉपी पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर अपन एडिट पर जाके पेस्ट पर क्लिक कर देंगे। तो ये आ गया। अब आप इसको अपन यहाँ पर खिसका लेंगे। तो इस तरीके से अपने दोनों पेजों पर वाटरमार्क प्रिंट हो गया। अगर आपको और भी कुछ साथ में लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब अपन क्लिक करते हैं नंबर वन पेज पर। तो आप देख रहे हैं कि अपना वाटरमार्क आ गया। हर पेज पर आप जो भी पेज पर क्लिक करेंगे उस पेज पर आपको वाटरमार्क दिखाई देगा। अब आप इसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपको वाटरमार्क थोड़ा हल्का करना है, उसका कलर थोड़ा कम करना है तो अपन एल आर पेज पर क्लिक किया पहले, उसके बाद टेक्स्ट टूल लेंगे और इसको अपन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर अपन दबाएंगे कंट्रोल टी। कंट्रोल टी दबाने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं टिन वाला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका टिन थोड़ा कम कर देंगे ताकि जो आप वाटरमार्क दे रहे हैं उसके ऊपर आप कोई भी टेक्स्ट टाइप करें वो आपको क्लियर दिखाई दें। तो अपन इसका 80% कर ले रहे हैं और ओके कर देंगे। तो इस तरीके से थोड़ा फीका हो जाएगा। अगर आपको और कम करना है टिन तो सिलेक्ट करिए कंट्रोल टी, यहाँ से अपन 65 कर लेते हैं ओके इस प्रकार से। तो आपका वाटरमार्क भी दिखेगा और इसके ऊपर आप जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे वो भी आपके शो होंगे। अपन यहाँ इस साइड भी कर लेते हैं। इस प्रकार से अब आप पेज पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका वाटरमार्क आ गया। अब आप इसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट टाइप करेंगे तो आपको टेक्स्ट भी दिखेगा प्लस वाटरमार्क भी दिखेगा। तो इस प्रकार से आप वाटरमार्क डाल सकते हैं। अब अपन डालते हैं पेज नंबर। पेज नंबर डालने के लिए आपको फिर से एल आर पेज पर जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको टेक्स्ट टूल लेंगे अपन, फिर पेज के
नीचे क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपको पेज नंबर डालना है आप पेज के ऊपर भी डाल सकते हैं पेज नंबर, पेज के नीचे भी डाल सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपको पेज नंबर डालना है वहाँ पर आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद अपन थोड़ी सी वर्ड की साइज़ बड़ी कर ले रहे हैं। उसके बाद अपन यहाँ टाइप करेंगे पेज नंबर, उसके बाद अपन यहाँ पर पेज नंबर टाइप करने के बाद अपन इसकी एक शॉर्टकट की होती है वो अपन को प्रेस करनी पड़ेगी। शॉर्टकट की है Ctrl Shift 3। तो आप कीबोर्ड से बटन दबाएंगे Ctrl Shift 3। कीबोर्ड में जो वर्ड्स के ऊपर 3 रहता है जहाँ हैज़ बना होता है वो वाला 3। उसके बाद फिर अपन इस साइड क्लिक करेंगे, अपन पेज नंबर इसी को कॉपी कर ले रहे हैं। Ctrl C से अपन ने कॉपी किया और यहाँ पर आके Ctrl V कर देंगे अपन, और फिर से अपन Shift Ctrl 3 दबा देंगे। तो इस साइड आप देख रहे हैं LM आ गया और यहाँ पर आ गया आपका RM, मतलब लेफ्ट साइड मास्टरपीस और राइट साइड मास्टरपीस। अपन यहाँ पर देखेंगे तो हर पेज पर आपको पेज नंबर शो होगा इस प्रकार से। तो आप इस प्रकार से पेज नंबर भी डाल सकते हैं और वाटरमार्क भी। जो भी आप मास्टरपीस पर टाइप करेंगे वो आपको हर पेज पर शो होगा। तो मास्टरपीस पे अपन सिर्फ दोनों चीज़ें डालते हैं, एक तो वाटरमार्क और एक पेज नंबर। और अगर आपको और भी कुछ सारे पेज पर शो कराना है तो आप वो मास्टरपीस पर डाल सकते हैं।